हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 12th एनआईएस इंग्लिश के कम्प्लेन लेटर की, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इससे पिछले कई वीडियोस में मैं आपको कई सारे कम्प्लेन लेटर की ऑलरेडी प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, और वो सारे वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसके अलावा अगर आपका इंग्लिश का सिलेबस कम्प्लीट नहीं है, आपको चैप्टर्स समझने हैं और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, तो मैंने आपके चैप्टर भी आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए शुरू कर लेते हैं कंप्लेन लेटर की को, और इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है, कहां पर आप सेंट्रल एड्रेस लिखेंगे, कहां पर आप किस तरीके के वर्ड्स का यूज़ करेंगे। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना विद द प्रेसिंग ऑफ बेल आइकन, ताकि सारी की सारी वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इसके अलावा अगर आपके पास बुक्स या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है, या फिर आप किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो तुरंत आप हमारे ऐप को विजिट करिए, जिसका नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल, जो कि एनएस बोर्ड के बच्चों के लिए काफी यूजफुल है। तो ऐप पर आपको बुक्स मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, इसके अलावा काफी सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। एंड हाँ, आप किसी भी कोर्स को परचेज वहां से कर सकते हो बहुत ही कम फीस में, और काफी अच्छे तरीके से लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड वहां पर किए गए हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी हम देख लेते हैं अपना कंप्लेन लेटर, ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो कंप्लेन लेटर है वो किसके लिए है और किस चीज़ की कंप्लेन आपको यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर कहा गया है, राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ योर लेटर्स। मतलब आपको एक लेटर लिखना है, किसके लिए लिखना है, पोस्ट मास्टर के लिए लिखना है, और किस चीज़ की कंप्लेन करनी है, आपको कंप्लेन करनी है कि आपके जो लेटर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से आपके पास नहीं पहुँच पा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर आपके पास नहीं पहुँच पा रहे हैं। मतलब जो पोस्टमैन है वो ठीक से आपके लेटर्स को जो है सप्लाई नहीं कर रहा है, डिलीवर नहीं कर रहा है, अब तक नहीं पहुंचा रहा है, और इसकी कंप्लेन आप किससे करोगे, पोस्ट मास्टर से करोगे, ठीक है। एक तरीके से पोस्टमैन की कंप्लेन आप यहाँ पर कर रहे हो। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पर लिखेंगे अपना एड्रेस। सो दिस इज सेंडर एड्रेस। सेंडर कौन हो गया गाइस, सेंडर हो गए आप लोग, मतलब जो इस लेटर को सेंड करेगा ये होगा उसका एड्रेस। काफ़ी बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में आपका एड्रेस दिया हुआ होता है, मान लो यू आर मनोज या मंजू और आपका एड्रेस ये है, तो अगर आपको क्वेश्चन में एड्रेस गिवन है तब आप वही एड्रेस लिखोगे, बाय चांस अगर आपको गिवन नहीं है तो आप यहाँ से कोई भी एड्रेस लिख सकते हो जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है। एड्रेस लिखने के बाद गाइस आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, और डेट जो है इसी फॉर्मेट पर आपको मेंशन करनी है, जैसे कि 18th है, 17th है ना, सितंबर, तो यहाँ पर जो आपका मंथ होगा वो जैन फैब, वो आपको यहाँ पर वर्ड्स में ही लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे ईयर, ठीक है। तो आप लेटेस्ट जो भी जिस डेट को आप इस लेटर को लिखोगे एग्जाम में, वो डेट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। देन आपने अपना मान लो एड्रेस लिख दिया, उसके बाद आपने डेट भी लिख दी, उसके बाद आता है गाइस रिसीवर एड्रेस। रिसीवर का मतलब जो इस लेटर को रिसीव करेगा। अब रिसीव कौन करेगा, आपसे कहा गया है पोस्ट मास्टर को लिखना है। तो देखिए, टू द पोस्ट मास्टर, उसके बाद आपने पोस्ट मास्टर का यहाँ पर लिख दिया एड्रेस, ठीक है, जहाँ पर आप इसको सेंड कर रहे हो। सो दिस इज रिसीवर एड्रेस, मतलब जो इस लेटर को रिसीव करेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। सो गाइज, आपने यहाँ पर जो है अपना बॉडी ऑफ द लेटर अब आ गया है। अभी हाँ, हमें जो है सब्जेक्ट देना है। पहले सब्जेक्ट में आप लिखोगे कि किस चीज़ की आप कंप्लेन यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है, हिंदी में इसको विषय बोलते हैं। तो कंप्लेंट अगेंस्ट द रॉन्ग डिलीवरी ऑफ लेटर्स, तो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिख दिया कि भाई मेरे जो लेटर्स हैं उनकी रॉन्ग डिलीवरी हो रही है, मेरे पास नहीं पहुँच पा रहे हैं। चार पांच वर्ड्स में आप अपना जो है ये सब्जेक्ट लिख दोगी। उसके बाद आपका बॉडी स्टार्ट होता है लेटर का, मतलब जो मेन कंटेंट है आप क्या क्या वहाँ पर लिख सकते हो, और किस तरीके के सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो, कितनी वर्ड लिमिट में होगा, तो आप देख सकते हैं ये रहा। इसमें आप थोड़ी सी फेरबदल अपनी तरफ से भी कर सकते हो। सर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट लेटर्स एड्रेस टू मी आर नॉट डिलीवर्ड प्रॉपरली, कि सर मुझे आपका ध्यान इस तरफ दिलाना है, और मैं ये नोटिफाई करना चाहता हूँ कि जो लेटर्स मुझे, मतलब कोई भी मुझे जो लेटर्स भेजता है वो मेरे पास सही से डिलीवर नहीं हो पाते हैं। कहीं से मेरा कोई लेटर आया तो मेरे पर पहुँच ही नहीं पाता वो। श्याम सिंह द पोस्टमैन ऑफ हर एरिया इज़ वेरी केयरलेस एंड इरेगुलर, तो देखो यहाँ पर आपने पोस्टमैन की जो है शिकायत कर दी है। नाम बता दिया है उनका, अंकल का, कि श्याम सिंह जो है पोस्टमैन है हमारे एरिया के, बहुत केयरलेस हैं और इरेगुलर हैं। ही डिलीवर्स द लेटर्स टू द रॉन्ग पर्सन, और वो क्या करते हैं, गलत लोगों के पास लेटर पहुँचा देते हैं।
ही ऑफन डिलीवर्स द लेटर्स लेट और लूज देयर रेलिवेंस. कितनी बार क्या होता है कि वो लेट देते हैं और रेलिवेंस भी जो है लूज हो जाता है इस तरीके से. देर हैव बीन ओकेजन्स वेन लेटर्स हैव गॉन मिसिंग. कितनी बार ऐसा हुआ है, कितने ऐसे मौके पड़े हैं जब उनके जो वो मतलब लेटर लेकर आते हैं वो मिस हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, गुम जाते हैं उनके दिए हुए लेटर्स. चलिए एक और पैराग्राफ आप ले लो और थोड़ी सी सही से शिकायत कर दो आप इनकी के समटाइम्स ही हैंड्स ओवर द लेटर्स टू द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्ट्रीट्स. कितनी बार ऐसा होता है जो श्याम सिंह है ना वो जो बच्चे गली में खेल रहे होते हैं उन्हीं को लेटर पकड़ा के चले जाते हैं. दे ऑफन मिसप्लेस द लेटर्स और इस तरीके से बच्चे जो है लेटर्स को इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं. आगे आपने गाइस ये बताया अ स्मॉल लेटर बॉक्स इज अफिक्स टू माई डोर बट ही डजंट केयर टू पुट द लेटर्स इन इट. कि छोटा सा लेटर बॉक्स मेरे जो है डोर पर लगा हुआ भी है बट जो पोस्टमैन है उनको कोई फिक्र नहीं है और वो उस यू नो छोटे से स्मॉल बॉक्स लेटर बॉक्स में उन लेटर को नहीं डालते. मैनी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैव दस बीन लॉस्ट और इस तरीके से कितने सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं जो मिस हो गए हैं. My repeated, request and please have fallen into deaf ears. तो मेरी जो ये request है जिसको मैं repeat कर रहा हूँ उसको जो है इन बहरे कानों तक पहुँचा दो जो लोग मतलब नहीं सुन रहे हैं, मतलब आप ये गुस्से में इस line को use कर रहे हो. I would therefore request you to look into this matter on a priority basis. और मैं चाहता हूँ कि आप priority दें मेरे इस matter को और इस पर जल्द से जल्द ध्यान दें. Thanking you, yours sincerely, XYZ. तो देखियो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं और इस तरीके की लाइंस आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी पर्सन की कंप्लेन कर रहे हो और जो आपका टॉपिक है जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट था वो था कि कंप्लेन कर रहे हो आप रॉन्ग डिलीवरी ऑफ लेटर्स. तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके के वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं और ज़्यादा टफ इंग्लिश लैंग्वेज इसमें नहीं है, सिंपल इंग्लिश सेंटेंस का ही हमने यूज़ किया है. तो अगर आपको सेंटेंस बनाने आते हैं आप इजीली इस लेटर को लिख सकते हो और इसके अलावा किसी भी लेटर को आप लिख सकते हो. अगर आपके सेंटेंस क्लियर नहीं है गाइस तो सेंटेंस के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर लीजिए जहाँ पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जाती है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी. सो वीडियो कैसी लगी है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अभी हम काफ़ी सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें. तो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय.